हेलो फ्रेंड्स, बन्ना की रसोई में आप सबका स्वागत है। आज हम बनाएंगे सिंपल सा जीरा राइस, जो कि घर के सामान से ही और सब लोग बना सकते हैं। जैसे कभी आपने छोला बनाया, पनीर बनाया, तो उस आपको सिंपल सा घर में कभी कभी होता है कुछ नहीं रहता, तो सिंपल सा जीरा राइस हम बना सकते हैं। और इसके लिए ये देखिए, मैंने थोड़ा सा बटर लिया है और ये थोड़ी सी हरी मटर है और ये चावल लिया है मैंने। इसको चावल मैंने धुल लिया था, साफ़ करके इसको धुल के रख दिया है। बस 2-3 मिनट ही मैंने रखा इसको धुल के। अब मैं चलिए गैस अपना ऑन कर देती हूँ। ये देखिए मैंने बटर डाल, मैंने बटर लिया है। आपके पास बटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप घी भी ले सकते हो। मेरे पास था बटर घर में, तो मैंने बटर ही यूज कर लिया। और बस थोड़ा सा जीरा डाल दे रही हूँ। बटर हमारा ये देखिए पिघल गया, अब मैं इसमें थोड़ा सा जीरा डाल दिया मैंने। ये देखिए जीरा हमारा हो गया है, अब मैं इसमें अपना राइस डाल दूँगी जो मैंने धुल के रखा है। जीरा राइस क्या होता है, कभी कभी घर में कोई रिश्तेदार आ जाते हैं तो सिंपल सा चावल बना के देने में थोड़ा कम अच्छा लगता है, तो आप दाल के साथ भी जीरा राइस बना सकते हो, बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहो तो इसमें मैंने रखा है 2 बड़ी इलायची, मैं उसको भी इसमें पीस के थोड़ा डाल दूँगी, तो उससे क्या होता है थोड़ा खुशबू अच्छी आ जाएगी। इलायची से आपके पास अगर तेज़ पत्ता है तो आप 1-2 तेज़ पत्ते भी डाल सकते हो, नहीं है तो कोई बात नहीं। मैं तो बिना तेज पत्ते के ही बना रही हूँ सिंपल सा ही, क्योंकि पनीर बनाया था तो पनीर के साथ सोचा थोड़ा सा जीरा राइस बना लूँगी तो अच्छा लगेगा। अब बस मटर डाल दे रही हूँ इसमें। ठंडी में तो मटर ईजली मिल ही जाती है, अगर जैसे आप ठंडी में नहीं बना रहे हैं और कोई समय में बना रहे हैं तो आपके पास मटर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप बिना मटर के भी बना सकते हो जीरा राइस। दाल चावल के दाल के साथ अगर चावल बना रही हो तो उसके साथ भी जीरा राइस अच्छा लगता है। अब बस मैं इसमें पानी डाल दूँगी। पानी क्या होता है, ये तो मैंने बासमती चावल ले लिया है, मेरे घर का ये थोड़ा था बड़ा चावल, मैं वही चावल बना रही हूँ। और बासमती चावल जैसे होता है वैसे ये भी है, इसमें भी पानी बहुत कम लगता है। आप वैसे घर का नॉर्मल चावल बनाती हो तो उसमें थोड़ा पानी ज़्यादा लगता है, लेकिन इस चावल में मेरे पानी बहुत थोड़ा लगता है। तो आप चावल बना रहे हो, आप लोग को मैं हमेशा के लिए बता रही हूँ, आप लोग अब जैसे कोई कोई हैं बिल्कुल नए बच्चे हैं, पढ़ाई करने के लिए बाहर गए हैं, या तो क्या है कभी कभी लड़कियाँ भी ससुराल गई, तो आजकल ज़्यादातर पढ़ाई लिखाई में उन लोग को थोड़ा मालूम नहीं रहता, तो चावल बना रही हैं, तो चावल के लिए आपको पानी कितना लेना है आप देख सकते हो। आप जब चावल बनाओ तो ये वाला चावल में तो बस इतना सा पानी मैं डालती हूँ, इतना सा। और वैसे आप कोई और चावल बना रहे हो तो आप चावल डालो उसमें पानी डालो, उसके बाद इतना पानी आपको चावल के ऊपर होना चाहिए। ये इसके ऊपर मैं चावल के ऊपर ये देखिए इतना पानी है, पानी मेरा बिल्कुल सही है, बस इतने पानी से चावल मेरा बड़ा अच्छा बनेगा। मैं इलायची डाल दे रही हूँ। ये देखिए मैंने इलायची का पाउडर बना लिया है, ये बड़ी वही सब्जी वाली बड़ी इलायची है। बस अब मैं अपना कुकर बंद कर दूँगी, ढक्कन लगा दूंगी इसमें और 1 सीटी आने तक मैं इसको पकाऊंगी। ये देखिए इसमें क्या है, आप लोग
कभी कभी क्या है चावल खड़ा नहीं होता, तो उसके लिए ये नींबू है, मैंने 2 टीस्पून मैंने नींबू का रस डाल दिया। इससे क्या है आपके चावल ना बहुत ही अच्छे एकदम खिले खिले बनेंगे। ये चावल की बिल्कुल सीक्रेट है, इस ये एक बार भी आप लोग बना के देखिए। चावल आप बना रहे हो उसमें आपके पास नींबू है तो आप आधा नींबू निचोड़ दीजिए, बहुत ही अच्छा चावल बनेगा। मैंने आपको बताना भूल गई थी इसलिए मैंने फिर से नींबू डाला, मैंने नींबू डालना भूल गई थी तो इसलिए मैंने फिर से कुकर खोल के नींबू डाला और मैं अब मैं बंद कर दे रही हूँ। एक सीटी आने के बाद मैं खोलती हूँ अपना, बंद करती हूँ गैस। ये देखिए मेरा कुकर सीटी, एक सीटी दे दिया था, फिर मैंने गैस बंद कर दिया। अब इसकी गैस भी मैंने निकाला नहीं, अपने आप निकली। ये देखिए मैं आपके सामने ही कुकर अभी खोल रही हूँ। देखिए कितना अच्छा खिला खिला चावल बना है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ। मैं इसे किसी प्लेट में निकाल के फिर आपको दिखाती हूँ। मैं इसमें धनिया की पत्ती थोड़ा डाल दूँगी ऊपर से और डाल के इसको अच्छे से चला दूँगी। देखिए मेरा चावल एकदम अच्छा सा बन के तैयार हो गया, मैं इसे प्लेट में निकाल ले रही हूँ। ये देखिए मेरा खिला खिला जीरा राइस चावल बन के तैयार हो गया है। देखिए कितना बिल्कुल आसान है, और आप इसके साथ इसे आप दाल चावल के साथ, सब्जी के साथ, आपके घर में कोई मेहमान आए हैं आप बनाइए, बहुत ही अच्छा लगेगा। और सिंपल सा चावल थोड़ा अच्छा कम लगता है देखने में, और इसमें ज़्यादा कोई तामझाम भी नहीं है। बस थोड़ा सा घी में आपने जीरे को फ्राई किया, फिर चावल डाल दिया, बस बन के तैयार हो गया जीरा राइस। प्लीज़ दोस्तों आप लोग बताना मुझे कैसा लगा आप लोग को जीरा राइस, और मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताना। मेरा चैनल लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर करना, प्लीज़ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलना। अब मैं चलती हूँ, फिर मिलूँगी आपसे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।